नमस्कार दोस्तों, सपने देखना हमारे जीवन में सबसे रहस्यमय और दिलचस्प अनुभवों में से एक है। हर कोई सपने देखता है, कोई दिन में देखता है तो कोई रात में देखता है। दोस्तों, सपनों की दुनिया भी कितनी अजीब होते हैं। सपने में सपना जैसा कुछ लगता ही नहीं, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसा सचमुच में घट रहा है। तो चलिए जानते हैं सपनों के बारे में कई मज़ेदार बातें। दोस्तों, ये सच है कि जिसका IQ जितना ज़्यादा होगा उसे उतना ही ज़्यादा सपने आएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपको वो बात कभी भी याद नहीं रहेगी कि सपना कहाँ से शुरू हुआ था? दोस्तों, छोटे बच्चों को पहले 3 से 4 साल तक सपने नहीं आती। सपने के बारे में पहली किताब इजिप्ट में लिखी गई थी। ये लगभग 4000 साल पहले की बात है। दोस्तों, जो लोग जन्म के बाद अंधे होते हैं वो लोग अपने सपनों में छवि को देख सकते हैं, और जो लोग पैदाइश अंधे होते हैं वो नहीं देख पाते, लेकिन वो आवाज़, खुशबू, स्पर्श और भावना से सपनों को महसूस करते हैं। जब आप सपने देखते हैं आपका शरीर पैरालिसिस की स्थिति में पहुंच जाता है और कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते। कई बार तो आप हिलदुल भी नहीं पाते। आपको ऐसा लगता है कि सचमुच में हो रहा है, असल में आप सपना देख रहे होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि दिमाग थक जाता है सोते समय, लेकिन ये सही नहीं है, बल्कि जगे हुए की तुलना में और ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। हमारा दिमाग कोई भी नई चेहरा नहीं बना सकता, इसलिए हम सपनों में उन्हीं लोगों को देखते हैं जो हमने असल ज़िंदगी में देखे हैं। दोस्तों, जो लोग सपने नहीं देखते उन्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर नामक बीमारी होती है। जानकारों का माने तो लोग अपने जीवन का 33% समय दिन में सपने देखते हुए बिताते हैं, लेकिन विज्ञान इस पर गौर नहीं करता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी रात हम जितने भी सपने देखते हैं उनमें से कितने हम याद रखते हैं? सोचिए ज़रा, दिमाग पर जोर डालिए। दोस्तों, हकीकत यह है कि हम जितने सपने देखते हैं जागने के 5 मिनट के अंदर ही आधे से ज़्यादा सपने भूल जाते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि सुबह के सपने सच होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। दोस्तों, ये बात आपको अजीब लगे लेकिन सच है कि जब तक रंगीन TV नहीं आए थे तब अधिकतर लोगों की सपने भी ब्लैक एंड वाइट ही आते थे। कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होते हैं, जिसे स्लीप वॉकिंग भी कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। यदि सही समय पर ठीक से नींद ली जाए तो ये बीमारी होने का संभावना ना के बराबर है। दोस्तों, इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हम एक ही समय में या तो खराटे मार सकते हैं या फिर सपने देख सकते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। दोस्तों, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी सपने देखते हैं। अगर सोते हुए जानवर अपना पंजा हिला रहा है तो समझ लीजिए कि वो सपने देख रहा है। सपनों में कुछ भी पढ़ नहीं सकते, यहाँ तक कि सपने में दिख रही घड़ी में समय देखना भी बेहद मुश्किल होगा। दोस्तों, सबसे लंबा सपना सुबह आता है, लगभग 35 से लेकर 40 मिनट का, और हम सोते समय हर 1.5 घंटे में एक सपना जरूर देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में करीब 6 साल सपने देखने में बिताता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे गंभीर सपने आने लगते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि रात में सपनों दोष हो जाता है। ऐसा तब होता है जब हम नींद में कोई सेक्सी सपना देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सपना दोष होने के बाद ही हमारी आँखें खुलती है, जबकि हमें पहले पता होता है कि सपना दोष हो रहा है। रात में गर्म दूध पीने से इसकी होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, यदि आप किसी के बारे में जागते हुए भी सपने देखते हैं तो इसका मतलब है आप उसे मिस कर रहे हैं। हम सपने में कोई किताब या लिखे हुए शब्द को नहीं पढ़ सकते। दोस्तों, लोगों को सबसे आम सपना यही आता है कि उसको उसकी पति या पत्नी धोखा दे रही है। आमतौर पर गर्भवती महिलाएं अन्य लोगों से अधिक सपने याद रखती है। ये काफ़ी हद तक गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है। आज के लिए यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।